अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह हम लोग अमेज़ोन से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, किस तरह अली एक्सप्रेस से इजीएस्ट वे से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, और अब आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हम ओवर स्टॉक से किस तरह अपने प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। ओवर स्टॉक बेसिकली एक फ़र्नीचर की वेबसाइट है जिस पर मुख्तलिफ़ तरह के फर्नीचर और प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और उस पर आइडियाज़ भी आपको मिल जाते हैं। आप चाहें तो उसके ऊपर फर्नीचर भी आप यहाँ से पिक पैक शिप करवा के बेच सकते हैं। इसमें आपको कोई भी हैसल फेस करना नहीं पड़ता ओवर स्टॉक में, बिकॉज़ ओवर स्टॉक एक आपका ड्रॉप शिपिंग की ही वेबसाइट है कि लोग यहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं मोस्टली। तो जितने भी लोग हैं, हमने यहाँ पर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है प्रोडक्ट हंट करते वक्त, और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो आइए चले देखते हैं कि ओवर स्टॉक काम किस तरह करता है। ये हमारे सामने ओवर स्टॉक की वेबसाइट है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के फर्नीचर्स और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सेल हो रही हैं। अब जैसे कि आपके अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये वॉल डेकोर की प्रोडक्ट है। ये कर्शन्स हैं जो कि आपको आपकी दीवार पे लगते हैं। इसमें साइज़ेस भी हैं इनके पास, और बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके पास साइज़ेस में मौजूद हैं, और इनकी शॉप पे जब विज़िट करेंगे तो और भी इनके पास चीज़ें मौजूद हैं। तो ये आपके पास सारी डिटेल्स प्रोडक्ट की आपको दे देता है। इनके पास साइज़ेस मौजूद हैं, कलर्स मौजूद हैं, और ये फ्री शिपिंग दे रहा है यूएस में। अब आप ये भी आप देखें, ये जो सेलर है बहुत पुराना सेलर है, इसके रिव्यूज़ देख लें। रिव्यूज़ के ऊपर ही आपने इस सेलर से बाइंग करनी है, इस सेलर की प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, बिकॉज़ जिस प्रोडक्ट सेलर के रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं और आपने उसकी प्रोडक्ट लगा दी, तो आपके लिए ये बड़े मसले फेस करने पड़ जाएंगे आपको कि प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं पहुँचेगा, कस्टमर कैंसिल कर देगा, आपको फिर रिफ़ंड करना पड़ेगा और लॉस होगा आपका। तो रिव्यूज़ वगैरह देख लीजिएगा कि जो सेलर है उसके रिव्यूज़ बैड रिव्यूज़ तो नहीं है। अगर बैड रिव्यूज़ है तो उस सेलर के साथ ना जाएं। अब इस तरह के मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स आपको ओवर स्टॉक पे मिल जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि ये दो साइज़ में अवेलेबल है। इन प्रोडक्ट्स को आप एट्सी पे इजीली $80 $90 में बेच सकते हैं, और इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तो ये इस तरह की प्रोडक्ट्स हम लोग एट्सी पे मोस्टली सेल कर रहे होते हैं, और भी ओवर स्टॉक के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी, किचन से रिलेटेड, आउटडोर से रिलेटेड, होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से फाइंड करके बेच सकते हैं। और इसका अकाउंट बनाने का भी कोई मसला नहीं है, जस्ट सिंपली एक नॉर्मल अकाउंट जो बनता है, आप अकाउंट साइन अप करें और उसके ऊपर प्रोडक्ट फाइंड करके अपनी प्रोडक्ट्स पे अपने एटसी के स्टोर के ऊपर लगा दें। तो ये हमारा है ओवर स्टॉक का ओवरव्यू, किस तरह हम ओवर स्टॉक से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और इसमें आपने दो तीन चीज़ें और भी उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट अगर बल्की है और अगर एटसी के ऊपर वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उसकी प्राइस रेंज क्या है, किस प्राइस रेंज से हटकर वो बिक रहा है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है, क्या वो हमारे लिए यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है तो हमने उसकी प्राइस रेंज क्या सेट करनी है। आप इस चीज़ का ये भी देखिएगा कि एटलीस्ट आप 60%, अगर आपकी यूनिक प्रोडक्ट है तो 60% इसके ऊपर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर यूनिक अगर कोई सेलर बैठा हुआ ऑलरेडी, तो उसको कम्पीट करने के लिए आप ओवर स्टॉक से कोई वही प्रोडक्ट उठाइएगा जो आपके बजट में आ रहा हो और जिसको आप कंपीट कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।